हेलो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने स्वीट फर्स्ट लव का पार्ट 7 नहीं देखा वो मेरे दूसरे चैनल लवली एक्सप्लेन 2 पर जाकर देख लेना, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और स्वीट फर्स्ट लव के नेक्स्ट पार्ट भी मैं उसी चैनल पर अपलोड करूंगी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये स्टोरी है गैंगेंग की, जो स्टडी में ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उसकी एक बचपन की फ्रेंड भी थी जिसका नाम जियान होता है। उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया था, इसलिए वो अब दोबारा से मिल जाती हैं। जब गैंगेंग क्लिपबोर्ड पर देख रही थी तभी उसकी एक लड़के से टक्कर हो जाती है। तो लड़का हंस रहा था और कहता है, मेरे से पहले वाला नाम है गैंगेंग, जो मेरे नाम के साथ बन जाता है गैंगेंग युहाई, जिसका मतलब है दिल से दिल तक। ये देख गैंगेंग भी हैरान थी, क्योंकि उस लड़के का नाम था युहाई। वो उसे हेलो करने को कहता है, क्योंकि वो अब क्लासमेट थे। तभी गैंगेंग की फ्रेंड उसको बुलाकर ले जाती है और युहाई देखता रह जाता है। जियान उसे एक नई फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे प्यार से सब बीटा बुलाते हैं। क्लास टीचर सबको कहते हैं, अगर कोई अपनी सीट एक्सचेंज करना चाहता है तो सब अपनी अपनी सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी युहाई खड़ा होकर कहता है, मुझे गैंगेंग के साथ बैठना है। सब हैरान थे। टीचर के कहने पर गैंगेंग को भी उसका डेस्कमेट बनने के लिए हाँ करना पड़ता है, तो सब बच्चे हल्ला मचा देते हैं। गैंगेंग युहाई से हेलो करती है, पर वो तो हेलो करता हुआ उसे पूरा हिला ही देता है। जब गैंगेंग को पता चलता है कि फिजिक्स कंपटीशन में युहाई फर्स्ट आया है तो वो हैरान होती है। युहाई को क्लास में सोता देख गैंगेंग कहती है, ये फिजिक्स में टॉप कैसे कर सकता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर एक स्टूडेंट पहले ही टीचर को बता देता है, तो टीचर उसे डांटती है। पर युहाई कहता है, मैं इसलिए सोऊंगा, या तो मुझे सब समझ आ गया या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तो बायोलॉजिकल रीज़न है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो टीचर उसे बिना बुक के क्लास से बाहर कर देती है। गैंगेंग चुपके से उसके लिए बुक लेकर आती है और कहती है, तुम कितने अजीब हो, मैं तुम्हारे डेस्कमेट बनकर पछता रही हूँ, और उसे बुक देकर चली जाती है। गैंगेंग को फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो वो फोटोज खींचती है। एग्जाम के टाइम पर युहाई सबसे पहले पेपर कर लेता है और फिर उसके खाली पेपर में झांकता है और गैंगेंग को सैड देख कहता है, बात नहीं, ऐसे कुछ और पेपर देने के बाद तुम्हें इसकी आदत बढ़ जाएगी। तो वो गुस्सा होती है और अपनी फ्रेंड्स को कहती है, मैं पक्का अपनी सीट एक्सचेंज करूंगी। युहाई बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है, तो सब उसकी तारीफ करते हैं। बीटा गैंगेंग को कहती है, क्या तुम अब भी सीट एक्सचेंज करना चाहती हो। वो हाँ करती है, तो बीटा कहती है, तो चलो अभी करते हैं। गैंगेंग कहती है, नहीं नहीं, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। बीटा कहती है, तुम्हारा उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। गैंगेंग कहती है, किसे, उसे? और फिर उसे देखती हुई कहती है, वो चालाक है, अजीब है, बॉसी है, स्वार्थी है, कितना बुरा है, पर वो सच में बहुत हैंडसम है। और उसका फोटो क्लिक करने लगती है, जिसके फ्लैश से युहाई से बास्केटबॉल मिस हो जाती है। वो पूछता है, ये किसने किया, पर गैंगेंग भाग जाती है और उसकी फोटो देखती है। जब वो फोटोज खींच रही थी तभी वहाँ युहाई आता है। वो भागती है तो युहाई उसे पकड़कर कहता है, वो तुम्हारे कैमरे की फ्लैश थी ना, तो अब मुझसे माफी मांगो। गैंगेंग कहती है, मैं क्यों मांगू, तुमने मेरे कैमरे में आकर मेरी फोटोज खराब कर दी, तो तुम मुझसे माफी मांगो। तो वो कहता है, ठीक है, पर पहले फोटोज दिखाओ, और अपनी फोटो देख खुश होता है। वो उससे कैमरा छीनने लगती है तो वो उसी टाइम की फोटो क्लिक कर लेता है और गैंगेंग से कहता है, मुझे हम दोनों की फोटोज देखने तो दो। तो वो कहती है, कितनी गंदी है, मैं डिलीट कर दूंगी। साइकिल से गिरने पर गैंगेंग के चोट लग गई थी, तो वो उसकी केयर करता है। गैंगेंग कहती है, तुम्हें क्या। युहाई कहता है, अगर तुम्हें कुछ होगा तो अल्टीमेटली मेरा ही नुकसान है, जब मैं क्लास में सोऊंगा तो मेरे ध्यान कौन रखेगा। गैंगेंग कहती है, तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। युहाई कहता है, ठीक है, तो अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। गैंगेंग युहाई के बारे में सोच सोच खुश होती है। ये सब पता चलते ही बीटा उसे कहती है, जरूर युहाई तुम्हें लाइक करता है। तो वो कहती है, मुझे तो तुम लोग भी लाइक करते हो। जियान कहती है, ये उस लाइक वाले लाइक से अलग वाला लाइक है। गैंगेंग कहती है, अगर वो मुझे लाइक करता है तो मैं क्या करूं। बीटा उसे समझाती है, तुम्हें बस उसे कहना है मेरी साइकिल की चाबी खो गई, और फिर उसकी साइकिल पर बैठ के उसे कस के पकड़ना है। गैंगेंग कहती है,
पर मेरे पास तो चाबी है। बीटा उसकी चाबी फेंक कर कहती है, अब तो खो गई ना। गैंगन हैरानी से कहती है, तुमने ये क्या किया? तभी युहाई को देख वो दोनों भाग जाती हैं। युहाई गैंगन से पूछता है तो वो कहती है, मेरी चाबी खो गई, मैंने सब जगह ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। युहाई कहता है, तुम सच में पागल हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ। उसका प्लान कामयाब होता देख वो खुश होते हैं, पर युहाई तो उसे बस में बिठा देता है जिससे वो सैड थी। तभी युहाई भाग कर आ बस रुकवा देता है। गैंगन गुस्सा होती है तो वो कहता है, मुझे अभी अभी याद आया, बस की बजाय मैं भी तुम्हें अपनी साइकिल पर छोड़ सकता हूँ, जिससे गैंगन खुश हो जाती है। जब युहाई उसे पढ़ा रहा था तो वो उसे कहती है, मुझे भूख लगी है। उसके जाते ही उसकी फ्रेंड्स उसे ड्रिंक देकर कहती हैं, उसे पिला पिला कर टल्ली कर देना, फिर वो सारा सच उगल देगा। गैंगन मना करती है पर युहाई को देख कहती है, अगर तुम ड्रिंक भी नहीं कर पाए तो मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगे? तुम्हारे टल्ली होने पर मैं तुम्हें उठाकर घर छोड़ आऊंगी। और ड्रिंक ओपन करती है, बट इन द एंड युहाई ने ही टल्ली गैंगन को टांग रखा था। युहाई 2 दिन से स्कूल नहीं आया था तो वो उसे मैसेज कर पूछती है, क्या तुम बीमार हो? पर युहाई की मॉम का रिप्लाई आता है। फिर युहाई मैसेज करता है, मैं फिजिक्स कॉम्पिटिशन में हूँ, तो तुम ड्रॉर में रखी फिजिक्स की नोटबुक शेनहुआन को दे देना। शेनहुआन की नोटबुक पर यीजान का नाम बार बार लिखा था, जो स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि शेनहुआन ही वो लड़का है जो सीक्रेटली उसे फॉलो करता है। तो उसकी फ्रेंड शेनहुआन का मजाक उड़ाती है, पर युहाई ये सुन गुस्सा हो चला जाता है, वो उससे बात भी नहीं कर रहा था। जब टीचर पूछते हैं, क्या सबको समझ में आ गया, वरना हाथ खड़ा करो, गैंगन के बदले युहाई हाथ खड़ा कर दोबारा वो क्वेश्चन पूछता है। तो टीचर समझा देते हैं, पर वो तो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछने लगता है, जिससे टीचर गुस्सा थे क्योंकि उसे इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था। तो गैंगन भी हाथ खड़ा कर लेती है और फिर एक एक कर सारे बच्चे हाथ खड़ा कर लेते हैं। तो टीचर को समझाना ही पड़ता है। गैंगन युहाई को लिखती है, मैं टीचर से खुद क्वेश्चन पूछ लूंगी, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो तुमसे पूछ लूंगी। फिजिक्स टॉपर को सिंपल क्वेश्चन पूछना थोड़ा जचता नहीं है, युहाई कहता है, सीधे सीधे बता देती, लिखने की क्या जरूरत थी, पागल। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उन दोनों की मॉम आती हैं, तो गैंगन की मॉम कहती हैं, युहाई के पढ़ाने की वजह से मेरी गैंगन के रैंक में इम्प्रूव हुआ है, थैंक यू। तो युहाई की मॉम टीचर से कहती हैं, आप युहाई की सीट एक्सचेंज कर दीजिए, क्योंकि उसकी डेस्कमेट का उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस पर गैंगन की मॉम गुस्सा होती हैं, गैंगन भी उनकी बातें सुन रही थी। मॉम टीचर से कहती हैं, हमारी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो युहाई के पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। युहाई ने मुझे झूठ बोला कि उसकी डेस्कमेट अच्छी स्टूडेंट है। युहाई मॉम को चुप कराता है और वो गैंगन को भी देख लेता है। गैंगन उसे इग्नोर करती है तो वो उससे कारण पूछता है, तो गैंगन कहती है, तुमने झूठ क्यों बोला, क्या मेरी वजह से तुम्हें एम्बेरस फील होता है, बताओ मुझे। युहाई बताता है, पिछले स्कूल में मेरी डेस्कमेट वो स्टडी में वीक थी तो उसे कोई पसंद नहीं करता था, पर मैंने उसकी हेल्प करने की सोची। एक बार मेरे कम मार्क्स आए तो मॉम को लगा उस लड़की की वजह से ऐसा हुआ, इसलिए उसे सीट एक्सचेंज करनी पड़ी, इसलिए मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हारा डेस्कमेट बनना चाहता हूँ। सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए सब बच्चे रिहर्सल कर रहे थे, जो काफी बेकार लग रही थी। तभी सब लोग देखते हैं कि शेनहुआन बारिश में खड़ा होकर यीजान के लिए गा रहा है और अपना लव भी कन्फेस करता है, तो सब हल्ला मचा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं। ये देख युहाई जाकर उसे कंट्रोल करता है और उसे कुछ कहता है, पर किसी को भी सुनाई नहीं आती, पर वो शेनहुआन उसकी बात मान लेता है तो सब क्लैप करते हैं। फिर सिंगिंग कॉम्पिटिशन में उनकी क्लास गाना गाती है, जिसे शेनहुआन और युहाई ही लीड कर रहे थे। जब युहाई गाना गा रहा था तो गैंगन को फील होता है कि वो सिर्फ उसी के लिए ही गा रहा है। जब वो उसके कंधे पर सो जाता है तो वो उसे किस करने की कोशिश करती है, पर आवाज सुन मुंह फेर लेती है, तो युहाई स्माइल करता है। जब युहाई उसे डिनर पर चलने को कहता है तो उसे लगता है कि वो उसे डेट पर बुला रहा है, इसलिए वो बहुत खुश होती है और जल्दी से रेडी होकर उसका वेट कर रही थी। युहाई आकर कहता है, तुम आज अलग लग रही हो। तभी वहाँ सब लोग आ जाते हैं क्योंकि यानलिंग ने सबको इनवाइट किया था, तो गैंगन बहुत गुस्सा होती है। फिर वो सब गेम खेलते हैं। युहाई को खुद से दूर देख गैंगन को तो सिर्फ यानलिंग पर ही गुस्सा आ रहा था, जिसका बदला वो उसे मार मार कर लेती है, बल्कि सबको उसे हटाना पड़ता है।
सब चले जाते हैं पर वो अब भी सैड थी। तो युहाई उसे कहता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो नर्वस थी तो वो कहता है, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? पर गैंगेंग के मुंह से जूस उसके ऊपर निकल जाता है। वो बस आते ही जाने लगता है पर फिर वापस आकर कहता है, तुमने याद नहीं दिलाया, हमें डिनर पर भी तो चलना है। वो हंस पड़ती है और खुशी से उसके ऊपर चढ़ जाती है। युहाई उसे क्रेफिश पील करके देता है। जब वो देखता है कि उसके पास पैसे नहीं तो पेट दर्द का बहाना मार उल्टी करने बाहर आता है। गैंगेंग को उसकी चिंता होती है पर वो उसका हाथ पकड़ उसे भगा कर ले जाता है और ये गैंगेंग की अब तक की बेस्ट समर थी। तभी हम 7 साल बाद देखते हैं जब गैंगेंग लाइफ में सक्सेसफुल हो गई होती है और फिर वो सब स्कूल रीयूनियन में सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करते हैं। तभी वहाँ युहाई आकर कहता है, तुम मुझे कैसे भूल गए? सब उसे देख खुश थे पर गैंगेंग इमोशनल। युहाई उसे पूछता है, तुम कैसी हो? तो वो स्माइल करती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब गैंगेंग को हायर स्टडी के लिए स्ट्रीम चुननी थी तो उसके मॉम डैड उसे ह्यूमैनिटीज चूज करने को कहते हैं, पर युहाई तो साइंस लेगा इसलिए वो भी अच्छे से स्टडी करने का फैसला करती है। उसे साइंस क्लास में आता देख युहाई हैरान था। वो उसे कहती है, युहाई चलो हमेशा के लिए डेस्कमेट बन जाते हैं, जिस पर युहाई हंस पड़ता है। तो फिर युहाई उसकी स्टडी में हेल्प करता है। प्रेजेंट में युहाई टल्ली गैंगेंग को उठाकर लाता है और उसे लिटा देता है। वो देखती है कि उसके हाथ पर अभी भी वो मार्क है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं वो सब फोटोज खिंचवाते हैं तो युहाई कहता है, सुना है यहाँ प्लांट्स लगाने पर अगर वो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं तो विश पूरी हो जाती है, पर अगर ऐसा होता तो यहाँ कितने प्लांट्स हैं, पर फिर भी दुनिया में कितने दुखी लोग हैं। पर फिर वो दोनों साथ में मिलकर प्लांट लगाते हैं। वो विश मांगती है और उससे पूछती है, तुमने नहीं मांगी? युहाई कहता है, मैंने मांग ली, अब क्या नया गड्ढा खोदकर तुम्हें भी यहीं दबा दूं? गैंगेंग उसे प्लांट पर मार्क लगाने को कहती है तो युहाई कहता है, ऐसे ही रहने दो, जब तुम कुछ सालों के बाद आओगी तो सबसे अच्छा वाला प्लांट चूज कर लेना। पर वो फिर भी प्लांट पर लिख देती है, हम हमेशा डेस्कमेट रहेंगे। जिस दिन उनका स्कूल का लास्ट डे होता है तो सबकी आंखों में आंसू थे। युहाई उसे घर छोड़ने आता है तो वो उसके एक मार्क बनाकर कहती है, ये तुम्हारा लकी चार्म होगा और इस पर टेप लगा लेना ताकि वाटरप्रूफ बन जाए। युहाई की आंखों में आंसू थे और वो उसे एग्जाम के लिए गुड लक करता है। तो गैंगेंग कहती है, जिस कॉलेज में तुम जाओगे मैं भी उसी कॉलेज में जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर फिर रुक कर कहता है, बाद में बताऊँगा। वो हाँ करके कहती है, मैं वेट करूँगी। उसे जाता देख युहाई की आंखों में आंसू थे। रिजल्ट वाले दिन उन दोनों ने मिलने का प्रॉमिस किया था पर युहाई उससे मिलने नहीं आता। वो उसका रात तक वेट करती है, उसे फोन भी करती है, यहाँ तक कि युहाई के घर भी जाती है पर वो वहाँ भी नहीं था। प्रेजेंट में वो उसे कहती है, फिर पता चला तुम स्टडी के लिए US चले गए, मैंने तुम्हें लेटर्स भी लिखे, क्या वो तुम्हें मिले? युहाई हाँ करता है तो वो कहती है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम मुझसे अब तक छुपते क्यों आ रहे हो? और उसे जबरदस्ती पकड़ किस करती है पर वो उसे हटा देता है। गैंगेंग पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो तुमने अब तक ये मार्क क्यों रख रखा है? पर वो बिना आंसर दिए जाने लगता है। तो गैंगेंग पूछती है, तुम उस दिन मुझे क्या बताने वाले थे? युहाई कहता है, मुझे याद नहीं, और चला जाता है। फिर वो सब फ्रेंड्स मिलकर अपनी स्कूल टाइम वाली वीडियो देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जो उन्होंने उस टाइम खुद से प्रॉमिस किया था कि वो अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे, आज वो अपना बेस्ट वर्जन बन गए थे। गैंगेंग युहाई की वजह से बहुत सैड थी तो जियान उसे कहती है, अगर उसे सच में तुम्हारी फिक्र होती तो इन 7 सालों में वो तुमसे मिलने की कोशिश करता, वो बहुत बुरा है। तभी यिनलैंग बोलता है, वो बुरा नहीं है, बस एक अच्छा एक्टर है। युहाई तो कभी US गया ही नहीं था, उसे मौका तो मिला था पर पैसों की कमी थी और एग्जाम से कुछ दिन पहले ही उसकी मॉम को यूरेमिया बीमारी हो गई। उसे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा, इसलिए वो पढ़ने की बजाय जॉब करने लगा और साथ में अपनी मॉम की केयर भी करता। तुम्हारे एग्जाम में इफेक्ट ना पड़े इसलिए उसने एक्टिंग की जैसे सब ठीक है। उसने तुम्हारे बारे में पता लगाने की भी कोशिश की, जब उसे पता लगा तुम सक्सेसफुल हो तो वो तुमसे मिलने पर भी शेमफुल फील कर रहा था। इधर युहाई अपनी मॉम की केयर कर रहा था तो गैंगेंग उसे कॉल करके कहती है, तुम US नहीं गए? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया? युहाई कहता है, अब हम डेस्कमेट नहीं रहे, सब खत्म हो गया। गैंगेंग कहती है, ऐसे कैसे सब खत्म हो गया?
मैं आज जो भी हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। पर वो फोन काट देता है। गैंगेंग रेडियो सुनती है जिसमें शेनहुआन, जो बहुत फेमस सिंगर बन गया था, वो बताता है कि मुझे एक लड़के ने कहा कि मैं उसके साथ गाना गाऊं, क्योंकि वो भी किसी लड़की को पसंद करता था पर सबके सामने उसके लिए गाने से डरता था। ये सुन गैंगेंग समझ आती है कि वो युहाई की ही बात कर रहा है, तो वो युहाई को अपने फोटो सेंड करती है जो उसने कभी डिलीट ही नहीं किए थे, पर वो रोता हुआ उसे डिलीट कर देता है। इनफैक्ट उस दिन भी वो वहाँ आया था पर उसके पास नहीं गया था। गैंगेंग उसे मैसेज करती है, मैं सब ऐसे नहीं जाने दूंगी, और वहीं पर भागकर आ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ युहाई आकर कहता है, तुम पागल हो। तो गैंगेंग कहती है, हाँ मैं पागल हूँ, मैंने तुम्हारे लिए साइंस ली, मैं तुम्हारे लिए अच्छे कॉलेज में गई, मैंने 7 साल तुम्हारा वेट किया क्योंकि मैं पागल हूँ, मुझे तुमसे प्यार है क्योंकि मैं पागल हूँ, मुझे बस ये बताओ कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। तो वो उसका हाथ पकड़कर उसी प्लांट के पास लेकर आता है जिस पर उसने लिखा था, गैंगेंग युहाई, मतलब दिल से दिल तक। वो दोनों एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं और इसी के साथ इस क्यूट सी मूवी का एंड हो जाता है।